साथी, ये तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं पाओगे महाराज, क्योंकि अब तक यहाँ से 40 किलोमीटर दूर तक की रैयत में आपके नाम का जय जयकार का नारा लगता था, लेकिन अब महाराज आपके पीठ के पीछे आपके रैयत के लोग आपको गाली दे रहे हैं। महाराज हमारे पाजा मुझे क्यों गाली दे रहे, क्या बात बताओ दे गाली महाराज इसलिए दे रहे हैं, आपका जो छोटा भाई विजय सिंह है अपनी भाभी नर्मदा को साथ में मेला देखने को गया है, उसमें राज है महाराज। बोलो क्या राज है महाराज? आपका भाई विजय सिंह अपने भाभी नर्मदा से प्यार करता है। सेनापति मेरा छोटा भाई अपने भाभी के साथ ऐसा महाजन बहाने का, मुझे विश्वास है महाराज तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे। नहीं, इसलिए साथ में साबुत भी लाया हूँ महाराज। साबुत अपने भैया को सारी बात बता दो। भैया मैं आपके सभी कदम खाकर कह रही हूँ, सेनापति जो करे वो सही करे। क्या जो सेनापति कह रहा है क्या सही तो भैया ये बात सत्य है, लेकिन जानू अरे ऐसा नहीं हो सकता है जानू, विजय सिंह का भाभी जो बात ही समान है ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। भैया अगर आपको विश्वास नहीं हो अपने को फिर से पूछो, अपने आंखों से देख के आ रहा है। ठीक है, आपका ससुर जरूर पीछे बोलोगे कहा है बातें बताओ है सही बताना है, जो सेनापति आने को कह रही है क्या ये बात सही गलत है। देखा बाबू ना हम झूठ बोले ना सच्चाई जाने जाए क्या बाबू? हाँ बाबू हे गलगला साहिब के कथन हाँ सूरतपुर के पहले बाबू वह जंगल में ना गलगला साहिब के लगा छोटा बाबू मेला देख के आवत रहे विजय सिंह और महारानी और दोनों जनी बाबू जंगले भाली गए और पीछे पीछे हम रहे बाबू, हम कह देखिए आज जंगले भाल के लोग काम करा थे और बाबू ही हम सरकी पटे टुकुर 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 लकात थे, आज हम कह देखिए न लोग काम कार्रवाई करा थे है, और बाबू दोनों जने न विजय भैया और महारानी बाबू दोनों जने न वही नंगे चपका जाता चले मार खाए बजाए बताए बताओ इसका मतलब है। हाँ नौकर है ये सही बात है, सही बात भगवान चल चलो हमारे मेरे सामने है तो मेला तुरंत आप कहाँ है तुरंत हम जाते तुरंत Yeah.